News coming in right now. Congress leader Ajay Rai refuses to apologize over his latke jhatke remark against Union Minister Smriti Irani. He says, "I have not said anything unparliamentary." So the Congress leader, who made a misogynistic and a sexist remark against Union Minister Smriti Irani, now refuses to apologize. He says, "I have not said anything unparliamentary." Listen in to Ajay Rai. जो यात्रा निकाल रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में यह यात्रा पहुंची है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय नेतृत्व कर रहे हैं। अजय राय ने सोनभद्र में स्मृति ईरानी को लेकर के एक बयान दिया था कि स्मृति ईरानी जब अमेठी में जाती हैं तो लटके झटके देकर चली जाती हैं। आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, सीधे इन्हीं से पूछते हैं। अजय जी, आपने जो कल बयान दिया उसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है, क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर से जनता अपने नेता को इसलिए चुनती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे सुख दुख में आप साथ खड़े रहेंगे, और सुख दुख में खड़े जब आप नहीं मिलेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, कल कारखाने बंद पड़े हैं, चाहे वो किसी भी, आप जो भी कांग्रेस ने वहां पे कल कारखाने लगवाए, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगाई, सब बंद पड़ी हुई है। भेल के कारखाने, जो बड़ा कारखाना है, बंद पड़ा हुआ है। ऐसी तमाम ट्रिपल आईटी काम रुका हुआ है, सारी चीजों को बंद करा दिया। तो जनता आपको हमेशा अपने बीच में चाहती है, केवल आए और आप घूम कर चले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लटके झटके ही तो बोला गया है, और उसमें ऐसा कोई, हमारे यहाँ क्या भाषा है? हमारे यहाँ बोलते कहा भैया बड़ा लटक के बोलत हुआ, बड़ा झटक के बोलत हुआ, यही ना हमारे आम भाषा ही हमारे यहाँ की है। इसमें कोई असंसदीय भाषा मैंने नहीं प्रयोग किया है। निश्चित तौर से आप जनता के बीच में बने रहिए, जनता का काम करिए। जनता आपको खोज रही है, आपका पता ही नहीं आप दिल्ली में हैं, मंत्री हैं, ठीक है, पर समय आपको अपने क्षेत्र में, हमारे यहाँ गांधी परिवार था, प्रधानमंत्री होते हुए भी, चाहे वो राजीव गांधी जी थे, हमेशा अमेठी में समय देते थे, अमेठी का विकास और उनके बीच से जुड़े रहते थे। अजय जी, बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि अजय राय को माफी मांगना चाहिए। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हमने कोई गलत बात बोली है तब तो हम अपनी बात पर कायम है, जो हमने बयान दिया उस पर कायम है, आखिरी दम तक कायम है। राहुल गांधी को लेकर के कहा, आपने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर अमेठी में, और स्मृति कह रही है कि डरेंगे तो नहीं। देखिए, वो बाहर से आके चुनाव लड़ रही हैं, वो बाहर से आके चुनाव लड़ रही हैं, और जो व्यक्ति जिसका परिवार उस मिट्टी से जुड़ा है, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, संजय गांधी हों, पूरा परिवार उस मिट्टी से जुड़ा। वहां जो भी चीजें, अस्पताल में भी ब्लड डोनेशन करने गया था संजय गांधी हॉस्पिटल में जाके, जो उनके द्वारा बनवाया गया और उनके उनके पूरी तरीके से ट्रस्ट के द्वारा वो संचालित किया जाता है। मैं पहली बार गया, मैंने देखा, आश्चर्यचकित रह गया देखकर काम। तो ये सारी चीजें जिस परिवार ने की है, वो परिवार वहां से हटेगा नहीं। डंके की चोट पर राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, अमेठी से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप भी मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि बनारस से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अरे भैया, हम तो काशीवासी है ही, कहां छोड़ के जाओ? काशी महादेव के नगरी बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं हम, कोई बाहर से आके थोड़ी लोगों को झूठ बोलते हैं और झूठे उद्घाटन करते हैं। और जो बंदरगाह बना है, आप देखिए कहे जहाज गई बंदरगाह पर से, आप जाकर देख लें रामनगर का बंदरगाह, जो भी काम किया इन लोगों ने बनारस के अंदर, निश्चित तौर से हमारी धरती है, हम लोग धरती पुत्र हैं और बनारस में लड़ेंगे। और 2024 में मोदी को निश्चित तौर से बनारस की जनता पटकनी देगी। एक बार फिर स्मृति ईरानी के बयान की बात करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा, लटके झटके को लेकर काफी आपत्ति जताई है स्मृति ईरानी ने भी और बीजेपी ने भी। प्रियंका गांधी भी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, खुद महिला हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक महिला के बारे में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और हमेशा सम्मान करता रहूंगा, पर जो लटके झटके की मैंने बात बोली, वो हमारे यहाँ एक आम भाषा है बनारस के लोगों में, पूर्वांचल के लोगों में, का भैया बड़ा लटक के आजकल जरमी करत हुआ, बड़ा झटक के बात करत हुआ, ये भाषा है हमारे यहाँ, उसके परिप्रेक्ष्य में बोली गई है। किसी का अपमान करना या किसी के बारे में खराब बात करना, इस बारे में, ये संदर्भ में नहीं बोला गया। ये निश्चित तौर से है कि आप जो वहां जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता लगकर भी आते हैं कि वो लटके झटके देकर हम लोगों चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं काम। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो बीजेपी की तमाम महिला सांसद हैं वो भी कह रही हैं कि अजय राय को अपने बयान पर से माफी मांगना चाहिए। नहीं, वो मैंने जो बोला है, मैं कह दिया ना कि मैं उस पर कायम हूं और मैंने कोई असंसदीय भाषा या कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अपने बयान पर कायम है और माफी कतई नहीं मांगेंगे।
उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक।